बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं तस्लीम सज्जाद। चैनल वॉइस ऑफ कतर में आपको वेलकम कहता हूं। दोस्तों, कुछ नई अपडेट आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। फ़्लाइट के हवाले से भी एक अपडेट है और क्वारंटाइन के हवाले से भी एक अपडेट है। इसके अलावा एक लॉकडाउन के हवाले से भी कुछ अपडेट हैं और इसके साथ साथ एक वैक्सीनेशन से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आपको दूँगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप सब के लिए। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियो हैं वो भी आपको मिलती रहें। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बाकी अपडेट देने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ वैक्सीन से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि QNCC वैक्सीनेशन सेंटर जो है फ़िलहाल बंद कर दिया गया है, तो इसमें कुछ दोस्तों का ये क्वेश्चन आ रहा था कमेंट्स में कि हमें पहला डोज जो है QNCC से लगा था, तो अब हम दूसरा जो डोज़ वैक्सीन का लगवाना है वो कहां से लगवाएंगे और कब लगवाएंगे, इसके बारे में बताएं। तो इसके बारे में मैं ये आपको बता दूँ कि आपको हेल्प सेंटर की तरफ से या तो SMS आएगा और या ईमेल वगैरह या आपको कॉल आएगी कि आपने कब और कहां पर दूसरा डोज लगवाना है। लेकिन अगर आपको कॉल, SMS या मैसेज नहीं आता तो आप डायरेक्ट भी जो है 1600 पर कॉल करके वहां से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जिन जिन लोगों को QNCC में पहला डोज लग चुका है, वो अगर उनको नहीं पता कि आपने दूसरा डोज कहां से लगवाना है, तो वो 1600 पर भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं आप दोस्तों, जो आज की दो तीन बड़ी अपडेट आई हैं वो मैं आपके साथ अब शेयर कर। दोस्तों, सबसे पहली जो अपडेट यहाँ पर आ रही है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि जिन 26 मुल्कों पर पाकिस्तान ट्रैवलिंग पर पाबंदी लगाई गई थी उसको मज़ीद जो है आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसमें जो पाकिस्तानी मुसाफिर हैं, जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उनको जाने से 72 घंटे पहले जो है उनको कोरोना का टेस्ट करवाना होगा और पाकिस्तान में जाकर उनको होम क्वारंटाइन करना होगा। इन 26 कंट्रीज़ में इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ईरान, इंडोनेशिया, इराक, जनूबी कोरिया और कुछ और भी इसके साथ मज़ीद भी कुछ मुल्क हैं। तो इन मुल्कों से अगर पाकिस्तानी जा रहे हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन दूसरे जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो जो है पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल जो है नहीं जा सकते। दूसरी बड़ी अपडेट दोस्तों यहाँ पर नेपाल से आ रही है। दोस्तों, नेपाल की गवर्नमेंट ने एक बड़ा जो है ऐलान किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कतर से अगर आप फुली वैक्सीनेटेड होकर नेपाल जा रहे हैं तो आपको अब जो है क्वारंटाइन में रहना नहीं पड़ेगा, होटल क्वारंटाइन में रहने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको जो है घर में जाकर आपको क्वारंटाइन रहना होगा। लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं और नेपाल जा रहे हैं कतर से, तो आपको 7 दिन के लिए होटल क्वारंटाइन में अपने खर्चे पर रहना पड़ेगा। ये नेपाल की गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है। जो भी नेपाली भाई नेपाल के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो ये अपडेट उन सब के लिए है। अगली दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट आपके साथ शेयर करूँ कि जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो पूरे बांग्लादेश में मुकम्मल लॉकडाउन करने जा रही है, यानी कि वहाँ पर अब जो है पुलिस और आर्मी जो है वहाँ पर तैनात की जाएगी। पूरे बांग्लादेश में तकरीबन 16 करोड़ और 60 लाख आबादी है जो बांग्लादेश की, मुकम्मल तौर पर उनको घरों में बंद कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर कुछ दोस्त क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या जब बांग्लादेश में लॉकडाउन लगेगा तो फ़्लाइट चलेंगी या नहीं चलेंगी बांग्लादेश के लिए। तो इस बारे में अभी फ़िलहाल जो है फ़्लाइट से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आई कि बांग्लादेश के लिए फ़्लाइट जो है चलती रहेंगी या वो बंद करेंगे। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर कर दूँगा। बाकी जो लॉकडाउन है वो 28 जून से तकरीबन स्टार्ट हो चुका है, बाकी जो मुकम्मल लॉकडाउन है वो 1 जुलाई से, यानी 1 जुलाई से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मुकम्मल लॉकडाउन पूरे बांग्लादेश में जो है कर दिया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट के और प्राइवेट जितने भी ऑफिस हैं मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा एक और भी इसमें इंफॉर्मेशन है कि जो
سعودی عرب کا جو سفارتخانہ ہے اس کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، کیونکہ دوستو بنگلہ دیش میں کافی زیادہ کیسز آ رہے ہیں کرونا وائرس کے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے یہ سٹیپ لیا ہے اور مکمل طور پر لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ۔ اگلی دوستو یہاں پر جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے یہ فلپین سے ہے۔ فلپین نے جو ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یو اے ای، عمان، سری لنکا، ان کنٹریز کی جو فلائٹ ہیں وہ مکمل طور پر بند کر دی ہیں۔ یہ فلپین کی گورنمنٹ نے جو ہے کل اعلان کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا، عمان، یو اے ای، ان کنٹریز پر مکمل جو ہے اگلے 15 دن کے لیے جو ہے وہ فلائٹ بند کر دی گئی ہیں۔ اگلی جو بڑی خبر آ رہی ہے دوستو، جو لوگ ترکی میں ٹریول کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک اپڈیٹ ہے کہ ترکی کی گورنمنٹ نے بھی فلائٹ بین کر دی ہیں۔ اس میں نیپال، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، برازیل، ساؤتھ افریقہ اور ایک دو اور بھی کنٹریز ہیں جن کی جو ہے فلائٹ ترکی نے بند کر دی ہیں فی الحال کے لیے۔ اگلے نوٹس کب تک وہ اوپن ہوں گی اس کے بارے میں ابھی فی الحال کوئی انفارمیشن انہوں نے نہیں دی، لیکن عارضی طور پر ابھی جو ہے فلائٹ بند کر دی گئی ہیں ان کنٹریز سے۔ اور اگلی جو اس سے اپ ڈیٹ ہے دوستو وہ ہے کہ یو اے ای نے بھی جو ہے 14 ملکوں پر جو پروازوں کی پابندی ہے اس کو 21 جولائی تک جو ہے بڑھا دیا ہے۔ اس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، جنوبی افریقہ، ان کنٹریز کے لیے یو اے ای نے جو ہے فلائٹ بند کی ہوئی تھیں اس کو مزید اب بڑھا کر 21 جولائی تک کر دیا گیا ہے۔ تو دوستو یہ کچھ اپ ڈیٹ تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مزید اس طرح کی جو بھی اپ ڈیٹ آئیں گی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اگر آپ نے کوئی کوسچن پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، مجھے انسٹاگرام پہ اور فیس بک پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔